महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश और बाढ़ के बीच बड़ा हादसा हो गया। ये गाड़ी ओवरफ्लो पुलिया से गुजरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था जिसमे की गाड़ी खुद ही बहने लगी। गाड़ी में 6 लोग सवार थे, 3 की लाशें मिल गई हैं और 3 पानी के साथ बह गए हैं, उनकी तलाश जारी है। नासिक में हो रही बारिश का पानी सुरगाड़ा तालुका के अलांगुड़ गांव में कुछ इस डरावने अंदाज में घुसा। भारी बारिश की वजह से गांव के पास मौजूद तालाब ओवरफ्लो हो गया था। उसका पानी गांव में ऐसे घुसा कि जो भी सामने पड़ा उसे बहा ले गया। गनीमत ये रही कि गांव को पहले से ही एहतियातन प्रशासन ने खाली करवा लिया था। लोग जा चुके थे पर कई गाय भैंसे इस बहाव में बह गए, कईयों के घर बर्बाद हो गए। नासिक में कई दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। पिछले 24 घंटे में नासिक में करीब 98 मिलीमीटर बारिश हुई है। गोदावरी नदी का जल स्तर ऊंचा हो जाने से कई मंदिरों में पानी भर गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बारिश का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में गढ़चिरौली के अहेरी में 209 मिलीमीटर बारिश होने से भारी नुकसान हुआ है। कई गांव का संपर्क टूट गया है। सोमवार को सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यहां नुकसान का जायजा लिया था। बाढ़ की परिस्थिति राज्य में, उसका जायजा हम लोगों ने लिया है। मैं खुद और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब कल खुद गढ़चिरौली में गए थे, वहाँ प्रत्यक्ष वहाँ का आढ़ावा लिया, पूर्व परिस्थिति का जायजा लिया हुआ है। वहाँ पर हम लोग ने बैठक की है और उस बैठक में हम लोगों ने सभी यंत्रणा जो है उसको अलर्ट रहने की सूचना दी है। किसी भी तरह का अनुचित प्रकार वहाँ नहीं होगा। जो लोग पूर्व परिस्थिति एरिया में है, फ्लड एरिया में, उनको सेफ जगह पर लेके जाने की सूचना दी हुई है। उनके खाने पीने की सब व्यवस्था शासन के माध्यम से की जाएगी। नागपुर में 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से शहर में कई जगह पानी जमा हो गया है। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। शहर के प्रमुख अंडरपास में बारिश के पानी में बड़े बड़े वाहन फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जब तक बारिश है वो बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकले। पुणे शहर को भी बारिश ने भिगो रखा है। बारिश के चलते पुणे में हादसों की खबरें आ रही हैं। सोमवार रात को पुणे के नानपेट इलाके में एक दीवार गिर गई और 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें रेस्क्यू किया गया। लगातार हो रही बारिश के चलते पुणे के खड़कवासला बांध से पानी भी छोड़ दिया गया है। मौसम विभाग ने 14 जुलाई तक के लिए कोल्हापुर, पालघर, नासिक, पुणे और रत्नागिरी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज तक ब्यूरो। ठाणे में पानी में लगभग डूब चुकी कार की इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए। दूसरे शहरों में बारिश के बाद गाड़ियां रेंगती हैं, पर ठाणे से सटे दीवा में तो बारिश के बाद गाड़ियां डूबने लगती हैं। सोमवार को दीवा में सड़क पर पानी इस कदर भरा हुआ था कि इस गाड़ी के चालक यूसुफ पठान को पता ही नहीं चला कि वो कब ड्राइविंग करते करते सड़क से तालाब में प्रवेश कर गए। भला हो स्थानीय लोगों का जिन्होंने समय रहते पठान को बाहर निकाल लिया और बाद में दमकल की गाड़ी ने कार को बाहर निकाला। प्रशासन बार बार बताता है कि बरसात के समय उफान मारती नदियों समंदर से दूर रहें। काश डोंबिवली के कॉलेज के इन छात्रों ने ये सलाह सुनी होती तो आज अपने साथियों को इस तरह डूबते हुए ना देखना पड़ता। डोंबिवली के 12 छात्र ठाणे के मलंगड़ फोर्ट में सोमवार को पिकनिक मनाने गए थे। 2 छात्र पास में बह रही अम्बे नदी में तैरने के लिए कूद गए, पर नदी का प्रवाह इतना तेज था कि वो डूबने लगे। उन्हें बचाने के लिए ग्रुप के 2 और छात्र नदी में कूदे। निखिल कनौजिया और अंकित जायसवाल, जो अपने साथियों को बचाने के लिए कूदे थे, वो डूब गए। दोनों की उम्र 17 साल थी। उनके शव मिल गए हैं। जिन्हें वो बचाने के लिए कूदे थे वो दोनों छात्र बच गए। ठाणे के ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही बारिश से और भी बुरा हाल है। कालू नदी में आई बाढ़ से टिटवाला में आवाजाही के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस पुल पर पानी भर गया है और अब इसे यातायात के लिए बंद करना पड़ा है। फिलहाल बाढ़ के खतरे को देखते हुए ठाणे में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं।
मंगलवार को मुंबई में भी दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। पानी भर जाने की वजह से अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा। मुंबई और महाराष्ट्र में बारिश को लेकर 48 घंटे का अलर्ट है। मुंबई का जुहू बीच इलाका जहाँ पे हम खड़े हैं, लगातार देखिए हाई टाइड हो गई है। हाई टाइड होने से जो समुद्र है वो उफान पे है, समुद्र उफान पे है, और ये ऐसी जगह है जहाँ पर लोग हर रोज आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं, कुछ वक्त बिताने की कोशिश करते हैं, और उनकी सुरक्षा में जो है लाइफ गार्ड को खड़ा कर दिया गया है। क्योंकि 48 घंटों में जिस तरीके से वेदर डिपार्टमेंट द्वारा ये बताया गया है कि बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो उसकी तैयारी मुंबई में कर ली गई है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके हैं जहां पर पहले से ही एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हुई हैं। मुंबई में मंगलवार को हाई टाइड की भी भविष्यवाणी थी, पर अंधेरी सायन जैसे कुछ निचले इलाकों को छोड़ दे तो ज्यादातर जगहों पर पानी नहीं भरा और मुंबईकरों को कम दिक्कतें हुई। मुंबई में इस वक्त हाई टाइड है, यानी 11 बजे के हाई टाइड बताया गया था 4.47 मीटर्स का, और इसी दौरान अगर तेज बारिश जनरली होती है तो काफी मुंबई के लिए समस्या हो जाती है। लेकिन इस वक्त हालांकि तेज बरसात भी हो रही है और हाई टाइड भी है, लेकिन इस वक्त फॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा हाई टाइड नहीं होने की वजह से समस्या जो है मुंबई के लिए नहीं है। अभी ट्रेनें चल रही हैं, बसें, सड़कें, हालांकि ट्रैफिक स्लो है लेकिन चल रही हैं सड़कों पर भी गाड़ियां, और बहुत ज्यादा निचले इलाकों में पानी नहीं भरने की वजह से भी अभी फिलहाल मुंबईकरों को दिक्कत नहीं हो रही है। पारस जामा के साथ विद्या, मुंबई आज तक।